लॉक लगा हुआ है। सांस भी कभी बोलती नेवर गिव अप। ये आपको दिखाना था, ये तंजीम के लड़के खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी तकरीबन 10 बज चुके हैं, तो मैं रेडी शेडी हो गया हूँ। तो मैं जाने लगा हूँ फैसलाबाद अपनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, यहाँ से मैंने BSIT किया। तो क्या करने जा रहा हूँ अभी आपको वहाँ जाके बताएंगे। तो अभी फिलहाल मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, तो अभी नाश्ता वगैरह करना है। तो पहले जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर फैसलाबाद चलते हैं। नाश्ते में गाजर का हलवा और साथ चाय, तो जल्दी जल्दी से पी लेते हैं। तो नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हेलमेट कौन सा लेके जाऊँ, ये वाला लेके जाऊँ या ये वाला लेके जाऊँ। अभी कर लेते हैं टास्क इन दोनों के दरमियान में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वाला लेके जाते हैं। अभी जा रहा हूँ रंधावा साहब के घर, रंधावा साहब को लेने के लिए। तो अभी रंधावा साहब को लेते हैं, तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ रंधावा साहब के घर, 11 बज चुके हैं। तो ये जैकेट जो मैंने ली है तो काफी ज्यादा काम आई है, तो इसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी, तो लेदर जैकेट है तो गुड हो गया। तो रंधावा साहब पहले अंदर गए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए, तो वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी निकलते हैं। तो आज फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाते हैं। तो हम जा किस लिए हैं यूनिवर्सिटी, तो डिग्री निकलवानी है यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए यूनिवर्सिटी जाकर डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे और आपको अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे। रंधावा साहब भी आ गए, याद आते शुक्रिया। अभी हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हमने बाइक अपने लगा ली है। तो ये मेरे पीछे है, ये यूनिवर्सिटी की मेन मार्केट है, तो आपको ये भी दिखाते हैं। तो काफी जो साल हमने यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पी है, तो आज आपको दिखाते हैं कि हमारी मेन मार्केट है। तो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, तो दिखाते हैं। तो अभी जी डिग्री का फॉर्म हमने ले लिया, तो ये फॉर्म होता है डिग्री का। अभी मार्केट बैठे हुए हैं और फॉर्म मैंने फिल कर लिया है। तो मार्केट ज़रा आपको दिखा नहीं सकते थे, यूनिवर्सिटी में सख्ती काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से अभी सिर्फ आपको फॉर्म वगैरह दिखा रहा हूँ मैं। तो ये फॉर्म भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो ये फिल कर लिया है मैंने, फॉर्म वगैरह मैंने फिल कर लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं कंट्रोलर ऑफिस, वहाँ से लेंगे फीस चलान, और फीस चलान लेकर उसे बैंक में जमा करवाएंगे। तो फिलहाल पैसे जमा नहीं करवाना, पहले इस पर सिग्नेचर वगैरह होंगे हमारे डीन के, हमारे चेयरमैन के और हमारे ट्विटर के, तो वो करवाने हैं। तो ये मेरे पीछे मार्केट है सारी, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा सख्ती है तो कैमरे के इस्तेमाल पे, तो जिसकी वजह से मैं कम कैमरा इस्तेमाल करूँगा, तो ब्लॉग इसी तरह का ही आएगा। तो ये था जी हमारा डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमने डिग्री BSIT की है। तो अब ये बंद हो गया, अब नया डिपार्टमेंट बन गया, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम उधर ही जा रहे हैं, तो वो भी दिखाएंगे। ये था हमारा पुराना डिपार्टमेंट। तो ये कंटीन है जी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की पुरानी कंटीन, तो अभी भी ये बात है, लेकिन हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बहुत तो ख़त्म हो गया। तो रंधावा साहब भी बैठे हैं, अपना TGM ग्रुप ढूंढ रहे हैं, तो वो मिलता है फिर चलते हैं ट्यूटर के पास, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में, फिर जाके डीन ऑफिस। अभी मेरे ट्विटर के तो साइन हो गए, तो रंधावा साहब के ट्विटर अभी ढूंढने हैं, ढूंढ के फिर उनसे कुछ मिनटें तल्ले करनी है, फिर साइन करवाने। तो मेरे ट्विटर साहब ने तो कर दिया साइन, तो ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो मैंने ग्रुप निकाल के दिखा दिया, तो मेरे साइन हो गया फिर रंधावा साहब के।
अभी रंधावा साहब का ट्यूटर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे बैठा करते थे, तो अभी देखते हैं कहाँ पे बैठते हैं, अभी ढूंढते हैं उन्हें भी। तो अभी पता लगा ये एक्स रूम में बैठते हैं, तो रंधावा साहब अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ख्याल से लॉक लगा हुआ है। तो अभी क्या करना है रंधावा? HOD के करवा लेते हैं उतनी देर में। अपने न्यू डिपार्टमेंट की तरफ पहुंच चुके हैं, तो अभी आपको न्यू अपना डिपार्टमेंट दिखाते हैं। तो ये है जी हमारा न्यू डिपार्टमेंट। तो हमारे जाने के बाद ये ओपन हुआ है, बन गया था लेकिन ओपन अप हुआ। अभी स्पोर्ट्स गाला हो रही है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा रश पड़ा हुआ है। प्रोजेक्टर चल रहे हैं, चेयर्स, सिस्टम नेम। ये क्लासरूम है, पंच रूम, रूम पंच रूम भी और आधा रूम। तो ये क्लासरूम है, तो यहाँ पे आके काफी ज्यादा वीडियो याद आती है। यहाँ पे आके पेपर दिए करते, किस तरह से किस तरह बैठा करते थे और क्लास लिया करते थे, और सोचते थे कि नकल कैसे करेंगे, पासिंग मार्क्स कैसे लेने हैं, पता नहीं चला कैसे करेंगे। चेयरमैन साहब तो अभी हमें मिले नहीं है, तो एक बज चुका है और हमारे साथ जय भाई भी आ गए, रंधावा साहब, हमारे ग्रेट ऑफ द ग्रेट संधु साहब और ये दानी भाई। हम बैठे बैठे बातों में पता लगा ये भाई भी हमारे यूट्यूबर हैं, तो ये बताएंगे कब से आप यूट्यूब कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो मुझे एक भी 5 महीने हुए। इधर यूनिवर्सिटी में लेजीनेस ज्यादा होती है, उसकी वजह से बंदा वीडियोस बना नहीं सकता। मेरे भी 2500-2600 सब्सक्राइबर्स है और 100 के लगभग वीडियोस डाल दिए। सही है, तो मेरी 105 वीडियोस है, तो भाई के 100 है, तो ये मेरे से अच्छा जा रहे हैं वैसे। तो वीडियो आप यूनिवर्सिटी की बना रहे हो कि कुछ भी बना रहे हो? नहीं, मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड बना रहा हूँ। सही सही, मतलब ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ। सही, आप ब्लॉग और ब्लॉग, तो ब्लॉग पहले फर्क क्या है? ब्लॉग जो होता है वो वीडियो की शक्ल में होता है। सही है, ब्लॉग जो है वो मतलब आप उसमें हर चीज ऐड होती है, तो हमारे लिए बचता हो। मशवरा भाई यही है कि मेहनत करनी और कंटेंट अच्छे से अच्छा बनाने की बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेवर गिव अप। नेवर, अभी मैं सोच रहा था कि यार क्या ब्लॉगिंग करनी है, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन नेवर गिव अप, इस बात पे गौर करना। अगर आपको उससे अर्निंग नहीं मिला फिर भी लगे, आपका बोलने का स्टाइल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होती है। तो मैंने इसलिए शुरू किया था, मैंने कहा मुझे बेशक कुछ ना आए, मेरी जो बोलने की स्किल है वो अच्छी हो, क्योंकि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ इस तरह मैं बोल रहा हूँ। अभी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी इससे पहले जब फर्स्ट मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं कैमरे की तरफ देख के ना ऊपर कर लेना, और बोलता भी 1 सेकंड का ऐसे। मेरा भी अभी ऐसे ही, मैं ना वीडियो एडिट करके बीच में काट काट के तो वैसे कर रहा हूँ। तो अभी हमारी चाय भी आ गई है, तो चाय पीते हैं अभी। ये हमारे भाई, भैया का नाम क्या, चाय क्या नाम है? मेरा नाम राशिद कौर है और टूर को टैग के नाम से चाहिए, टूर को टैग। तो मेरे सब्सक्राइबर है नहीं तो मैं कह देता, लेकिन फिर भी आप जाके देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं, तो भाई थैंक यू भाई।
बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ। अच्छा भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी चल रही है जी ब्रेक टाइम, तो चेयरमैन साहब तो हमें मिले नहीं थे, तो इसलिए हम मार्केट में आ गए थे। तंजीम के लड़के खड़े हैं दायरा वगैरह बना के, तो यहाँ पे ये काम भी चलता है। अभी हम अपनी बाइक यहाँ पे निकालने लगे हैं, ये तो यहाँ से बाइक निकालते हैं अपनी। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा देखते हैं कि एहसन साहब ट्विटर नजर आते कि नहीं आते। अगर आज ना हुआ काम तो कल फिर आना पड़ेगा, करते हैं कुछ। अभी तकरीबन आधा दिन तो गुजर गया है। जिंदगी में जो कुछ मर्जी कर लो, बस डाटा में टेस्ट नहीं करवाने की फीस, सिग्नेचर नहीं लेने की फीस बंदे के, अपने सिग्नेचर देने, ऐसा बनो। तो ये शटर बस है, यूनिवर्सिटी की शटर बस, यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके आते जाते हैं। तो ये जी टिप्पू हाल है। तो यहाँ पे हमारा दोस्त जो है अरसलान आईडी बहुत रहता था, तो इस रूम में हम आया करते थे। तो ये टिप्पू हाल है, इसके पीछे है जी फैसला हाल, कश्मीर हाल, तो ये इसका बोर्ड लगा हुआ। तो यहाँ पे जहाँ से और जी हमारा एक खास बंदा बड़ा करता था, ये आपको दिखाना था। ये तंजीम के लड़के खड़े हैं दायरा बना के, हम आ गए जी फुटबॉल ग्राउंड। तो ये पीछे वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, तो स्पोर्ट्स गाला वगैरह हो रहा है, तो बॉल आ गई थी उनकी। तो एहसन साहब के जो ट्विटर हैं तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि बैठे कि नहीं। तो ये सारा रनिंग एरिया है और फुटबॉल ग्राउंड, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो टीचर है वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो फाइनली एक साइन जो है एहसन का हो गया, मेरा और एहसन का। अभी हमारे जो चेयरमैन साहब उनका रह गया और डीन का, दुआ करें, होप है, फिंगर क्रॉस है कि आज सारा काम हो जाए। तो मैं घर जाऊँ देर उधर दवा दवा कहते रात इधर ही रुकना है, तो पता नहीं अब देखेंगे क्या करेंगे। ये पीछे एथलेटिक के लिए सर बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, मैचेस वगैरह हो रहे हैं। तो पीछे मैंने आपको पहले दिखाया वॉलीबॉल का मैच हो रहा है। तो आगे एक और एरिया है, वहाँ पे फैमिलीज वगैरह हैं, तो वो मैं दिखा नहीं सकता। वहाँ पे बच्चों का जो है स्पोर्ट्स वो हो रही है, तो कराटे वगैरह जो भी हैं, तो वह मैं दिखा नहीं सकता, दिखाऊँगा कोशिश करके। तो ये वो एरिया है, यहाँ पे बच्चों का जो कराटे वगैरह वो हो रहे हैं। तो अभी हम जाने लगे हैं अपने डिपार्टमेंट दोबारा। हमारे जो लास्ट पेपर थे ना सेवन्थ सेमेस्टर के, तो वो हमने इस डिपार्टमेंट में दिए थे, लेकिन तब ये डिपार्टमेंट हमारा खुला नहीं था, तो अभी खुल गया है। तो अभी रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, तो काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट बना हुआ है हमारा। अभी हम चेयरमैन साहब के दफ्तर के सामने बैठे हुए हैं, तो चेयरमैन साहब अभी यहाँ पे आए नहीं, तो रंधावा साहब बैठे यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और मैं भी चेक कर रहा हूँ। लाइटिंग यहाँ पे ख़राब हो रही है, तो अपना डिपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या खूबसूरत डिपार्टमेंट बन गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट बना हुआ है। चेयरमैन साहब के भी साइन हो गए हमारे, तो काफी देर बैठना पड़ा, अभी तकरीबन 3-3.5 हो गए, तो चेयरमैन साहब आ गए थे तो साइन हो गए। तो अभी डीन ऑफिस के लिए जमा करवा दिए कागजात, डीन रहते हैं तो वो अभी डीन यहाँ पे है नहीं है, तो तकरीबन 2 घंटे वो लगेंगे। तो उसके बाद फिर आगे जाके देखते हैं कि आज फारग हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, कुछ काम रहते हैं वो करने के लिए। बाजार तो हम नहीं गए, तो डीन साहब आ गए थे रस्ते में नजर आ गए थे, तो हमने साइन वगैरह करवा लिए डीन के भी। हमारे सिग्नेचर जो है सारे मुकम्मल हो गए हैं, तो अभी फीस जमा करवानी है, तो जमा करवा के इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह फारग हो गए हैं। तो अभी बस दुआ है कि जिसने ये पकड़ने वो बैठा हो। तो अभी सारी फीसें जमा जमा हो गई हैं, तो अभी सामने कंट्रोल ऑफिस है वहाँ पे जमा करवाने जा रहे हैं। फाइनली हमारा फॉर्म जो है वो जमा हो चुका है डिग्री का। तो अभी हम यहाँ पे आए थे अपने क्लॉक टावर पे, तो यहाँ पे एक यादगार की पिक्चर लेंगे यहाँ पे। तो रंधावा साहब जाने लगे हैं कतर, तो ये पता नहीं बाद में मिलेंगे कि कभी नहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा जाते जाते फिर यहाँ पे एक फोटोग्राफ हो जाए। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। ओके ओके बाय बाय न्यू डिपार्टमेंट। अभी बज चुके हैं तकरीबन 4, तो हम आ गए हैं रंधावा साहब के घर। तो यूनिवर्सिटी से फारग हो गए हैं,
तो ये व्लॉग मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो अगर आपको आज वाला व्लॉग जो है अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, कहा लगे मुझे भी।